रब की कृपा वीरे शुरू तो है ना भी आप कहते मेहनत कर रहे हैं तो पहला इन्ना नहीं सी मतलब इन्ना पहला अपनी सी पर जो जो मेहनत करते रहे तो पौड़ी चढ़ते गए तो हूँ तो चलो रब का शुक्र है भी कुड़ियों की जो ना उठता गा तो अपना पैल तो चलो रब ने ना लिया भी खेड़ दिया गए पिंड चो कुड़ी। हाँ जी भाई मानसा का नाम है ना मानसा का नाम जिम्मे बई सिद्धू मूसे वाले ने कराया भी मानसा के कल ही हो मिलता है ना जे प्लेयर खेड रहा हूँ सानू पता है भी असं कि कुछ झल के लोगों दौरे तक आए हैं फिर मन काड़ा करके निकलना पैंता जे कोई एक अद्धा दिल कोई गल कहती वो दिल से गल ला के बैठे वह नहीं फिर प्लेयर बनूगा है ना वह सारिया गल्ला मतलब आपदी झल के फिर होंगे ही। इन्हां दे फादर साहब की जिहड़ी सपोर्ट बहुत रही हैगी मैनू हर दूसरे या तीसरे दिन स्कूल विच मिलन लई आउंदे सीगे ते उस तों बाद इहदे ब्रदर ने फिर बहुत सपोर्ट की पर सब तो पहले इहदे फादर ने बहुत ज़्यादा जिहड़ी इस बच्ची की सपोर्ट आ की। साडे लई इह बहुत वड्डी खुशी की गल है कि इस स्कूल बच्ची पढ़ के इत्थों इस ग्राउंड दे विच शुरुआत करके खेडण दी अज नैशनल लैवल ते अचीवमेंट की है ते मैनू पता लग्गिया कि उह वख-वख फैडरेशनां वल्लों खेड चुकी है ते छेती ही वो इंडिया की टीम रीप्रजेंट करेगी कबड्डी की। सत श्री अकाल तुसीं जुड़े हुए हो रैमिट टीवी दे नाल मैं तुहाडा अपना सुखी दोस्तों अज गल करांगे मां बोली कबड्डी की कबड्डी खेड की गल करांगे मुंडियां लई तां बड़ा ईजी हो जाता है ना एक खेड खेडनी पर कुड़ियां लई बड़ा औखा हुंदा है। अज आपां जिस जगह के उत्ते पहुंचे जिस घर दे विच पहुंचे हाँ पीतू भैण है कोलडे तो उस दे नाल गल्लां बातां करांगे कि जदों कुड़ी नूं औखा हो जाता है ना भी घर के विचों निकलना परिवार के विचों निकलना तो कितना क सपोर्ट मिलता घर के विचों जां सरकार दा कोई नुमाइंदा पहुँचता उन्हां लई उन्हां दी हैल्प करन दे लई आ जाओ आपां गल्लबात करदे आ तुसीं देख सकदे हो सामने है ना ये जिहड़े मैडल ने सारे इनाम ने है ना ये पीतू भैण वल्लों जितते हुए ने मैं कैमरामैन नूं कहूँगा एक बार सारे दिखा दो ये तो आपां सर्टिफिकेटां दी भी गल करांगे भैण नैशनल लेवल तक खेड के आई है तो सारी गल्लबात आपां करांगे। सत श्री अकाल भैणे की हाल चाल ने जी। हाँ जी मेरे वधिया भैने जे आप गल कर लिए आप देख रहे हैं ना इन्ने मैडल जितते हैं फिर तो सोनू नौकरी लिए पूरा ऑफर होगा नहीं बीरे नौकरी लिए कोई है नहीं कोई सरकार का नुमाइंदा ज कोई होर सरकार दे वल्लों आया भी असीं तुहाडी हैल्प करते हैं ज स्पोर्ट्स कोटे चों ही आया होवे कोई ना जी बीरे कोई नहीं किवें देखते हो सरकार का कम किवें देखते हो भी जे एक कुड़ी नूं घरों निकलना पैंदा है ना बहुत औखा हो जांदा किवें देखते हो। हाँ जी वीरे घरों तो एक थोड़ा एरिया है ना अपनी कुड़ियों सोच लैके उदा चलता हाँ जी तो बाकी सरकार वालों भीरे अज तक नहीं कोई भी इदा भी आके उन्होंने कोई भी देखा जा कि जिदा मानसा च मैं कल खेडती सी। अच्छा मानसा जिले चो तुसी कल ही हो? हाँ जी वीरे तो नैशनल लगी हुई आ तो होर भी टूरनामेंट फैडरेशन वालों खेडते हैं पर हाँ जी भी लोग तो साथ देंदे आ भी वो तो हौसला भी देंदे पर सरकार वालों नहीं अज तक कुछ भी आया। हाँ जी भैया कितना समा हो गया भैने तुहानू खेडदे नूं क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हैं ना काफ़ी ट्रॉफियां पईयां ने ते काफ़ी जो तुहाडे तो वलों जितते गए इनाम ने कितना समा कितना हो गया? 2017 ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 2017 ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਖੁੱਲਾ ਜਾਓ ਖੇਡੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਜੀਤ ਡੀਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੇਡੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ? ਉਮੀਦ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਵੀਰੇ ਡਰੀਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਡਰੀਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ
वह भी कुड़ियाँ मतलब मेरे वांगू ही ने बेचारियाँ भी मेहनत कर रही ही मुंडे बराबर मेहनत कर रहा पर जिन्ना मुंडियां हक मिल रहा भी जिदा बारलिया फाउंडेशन वगैरह सारिया उन्होंने स्पोंसर कर दियाँ जो सपोर्ट कर दो उन्होंने बैकबोन ने बारले जिहड़े प्रमोटर वगैरह ने सारे पर साडे कुड़ियां दा उन्ना हक मिल भी नहीं रहा तो सानू उम्मीद भी दिनों दिन घट रही है भी बाकी कुड़ियां सारिया ठीक ने गे मुंडियां दे जिन्ने बराबर होने चाहिए उन्ना मुल नहीं मिल रहा कुड़ियां नूं जिहड़े नवीं भी भैणां आउणियां आउणा चाहुंदियां ने इस खेड दे विच उन्हां नूं की कहना चाहुंदे तुसीं भैन आई हूँ जे असी उन्हां तों पहलां लगे हुए हाँ असी खुद नहीं सैट हो रहे ना वह कुड़ियों का भी हौसला सानू देख के होगा हाँ जी तो वह कुड़ियाँ भी सानू भी आके पुछदे दीदी भी थोड़ा बाहर का बनया थोड़ा इंटरनेशनल थोड़े है ना जो भी आप कहते प्लेयर का ड्रीम आई होना बहुत इदा दुख भी लगता भी जेडे साढ़े नाल खेडते साडे नाल प्रैक्टिस लाते मुंडे भी सब की सपोर्ट की हैगी बारे सैट नहीं सारे पर सानू नहीं कोई इदा पुछ रहा जे भैने आप गल करिए नैशनल लेवल की कितने तक खेड के आए नैशनल लेवल कितों तक गए हो नैशनली अपनी रोपड़ हुई सी हाँ जी तो उत्थे खेडे सीगे उत्थे साडा मतलब सिल्वर सी सैकंड पोजिशन सी कि साडी परिवार झंबे झुंबे बहुत हो गए एक बेस्ट रेडर होंगे जाफी हों किस ना अपना जाफी चाहिए हाँ जी बहुत चंबे हो गए भैने ना आम उम्र रब की कृपा भीरे शुरू तो है ना भी आप कहते मेहनत कर रहे हैं तो पहला इन्ना नहीं सी मतलब इन्ना पहला अपनी सीगे पर जो जो मेहनत करते रहे तो पौड़ी चढ़ते गए तो हूँ तो चलो रब का शुक्र आ भी कुड़ियों की जो ना उठता गा तो अपना पहलते चलो रब ने ना लिया भी खेड दे गए पिंड चो कुड़ी हाँ जी भी मानसा का नाम है ना मानसा का नाम जिमें बई सिद्धू मूसेवाले ने कराया तुम भी मानसा कल ही हो मिलता है ना ते होर कोई अपने लवे तवे जिले की हैगी भैन कोई भी जी तुहाडे नाल खेडदी होवे अपनी पिछलिया सीजन आप मार्च च मतलब कुड़ियां बहुत इकट्ठिया कीते भी तुसी खेडो है ना धक्के नाल उन्हां दे घरे भी गए कहा भी हाँ तुसी खेडो अपने समाह दीआं कुड़ियां नेगियां भी खेड रही पर वह भी किसी हद तक हुण इह नहीं घरों भी सपोर्ट किसी हद तक हुंदी आ कुड़ियां नूं है ना भी बारे भी सपोर्ट किसी हद तक भी कोई जे प्लेयर खेड रहा हूँ सानू पता है भी असी किन्ना कुछ झल के लोगों दौरे तक आए ना फिर मन काड़ा करके निकलना पैंदा जे कोई एक अद्धा दिल कोई गल कहती वो दिल ते गल ला के बैठे वह नहीं फिर प्लेयर बनूगा है ना वह सारिया गल् मतलब आप झल के फिर होंगे ही डाइट भी अफोर्ड करनी औखी हो जाती है ना तुहानू इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई सानू मेरे उदा तो चलो रब का शुक्र है भी अपनी माड़ी बैकबोन मेरे फैमिली की ठीक हैगी है ना पर जेडे मेरे नाल दी कुड़ियां बेचारे उन्होंने कोई स्पोंसर नहीं कोई कुछ भी नहीं आता घरों खांदियां ने सब ठीक है घरों थानू पता है कोई चलो अप हुंदा कोई थोड़ा डाउन हुंदा है ना आपदे स्टैंडर्ड की गल हुंदी हुण उह जिहड़ियां बेचारियां छोटियां मेहनत तो करदियां पर उन्हां खाण नूं उन्ना कोई किते नहीं मतलब ना तो बाहरों उन्होंने कोई स्पोंसर करता जिवें मुंडियां नूं स्पोंसर करदे कुड़ियां नूं बराबर होना चाहीदा है जी फैली की कहना चाहोगे भैने जिहड़े व्यूअर्स देख रहे ने इह गल सरकार तक भी पहुँच सकदी है ना की कहना चाहोगे सरकार नूं की कहना चाहोगे सरकार नूं ही देखो जे अपने पंजाब दा ना पंजाब दा उठूगा जे अपने छोटे छोटे पिंडां चो शहरां चो जवाकां तक ध्यान जाना चाहीदा उन्हां दा मैडम तुहाडे स्कूल दी कुड़ी इक नैशनल पद्धर तक खेड रही आ की कहोगे किस तरह दे जिहड़ा माहौल सी किस तरह दा खेडी आ हां जी सति श्री अकाल जी सर हाँ जी गुरप्रीत कौर पीतू जी 2017 तो इतों खेडना शुरू किया उन्हें पर जदों मैं इतने ज्वाइन किया उस तो पहले इतने कुड़ियों की कोई मतलब खेड नहीं रही सी कोई रिस्पोंस नहीं सी कुड़ियों वालों बसा मैं उन्होंने खेडना जड़ा लाया तो हौली हौली पिंड का सपोर्ट भी कोई नहीं सीगा उस तो बाद पर उस तो बाद जदों जदों इन्हों मैं खेडना खेडन लिए लगाया तो इन्होंने बहुत वधिया जिहड़ा रिस्पोंस आ बच्चों ने दिता तो उस तो बाद खेडती गई तो नैशनल लैवल तक जी इस बच्ची ने अपनी पोजिशन हासिल की है कुड़ियों घरों लोग बाहर नहीं जाते पर पिंड कबड्डी खेड रही है हाँ जी इन्होंने परिवार की इन्हों फादर साहब की जी सपोर्ट बहुत रही हैगी मैनू हर दूसरे या तीसरे दिन स्कूल में मिलन ले आते सी तो उस तो बाद ब्रदर ने फिर बहुत सपोर्ट की पर सब तो पहले फादर ने बहुत ज़्यादा जी इस बच्ची की सपोर्ट की सब तो पहले तो मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुम इस बच्ची के लिए चैनल के उत्ते प्रमोट कर रहे हो और साढ़े लिए बहुत बड़ी खुशी की गल है कि इस स्कूल बच्ची पढ़ के इतों इस ग्राउंड शुरुआत करके खेड खेड की अज नैशनल लैवल पर अचीवमेंट की है
तो मैंनू पता लग गया कि वह वख-वख फैडरेशन वालों खेड चुकी है तो छेती ही वह इंडिया की टीम रीप्रजेंट करेगी कबड्डी की मतलब एक वधिया प्लेयर है। तो ये की हुंदा है कि जिथे परिवार को मतलब सहारा मिलता है इत्थे हौसला वधदा है टीचरां दा अध्यापकां दा ते नाल पिंड दा नाम उच्चा हुंदा है इलाके दा नाम रोशन हुंदा है। और एक होर मैसेज जिहड़ा हैगा जांदा है समाज नूं जिहड़ा कि साडे एक आम प्रचलित है कि लड़कियां ने जिहड़ियां उह समाज दे उत्ते बोझ है जां आपां नारे जरूर देखदे हां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते सचमुच ये लड़की ने करके दिखाया कुछ कि जे बेटी नूं तुसीं जंबण दे मौका दोगे तो वह बहुत कुछ कर सकती है तो नाम रोशन कर सकती है। तो इस बच्ची ने बहुत वधिया करके दिखाया सारे परिवार को साडे स्टाफ वालों बहुत बहुत मुबारकां।